गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आशीष कपूर। आइए नजर डालते हैं मॉर्निंग हेडलाइंस पर। कश्मीर के डिपकॉम बशीर अहमद खान को उपराज्यपाल के सलाहकार नियुक्त किए जाने के बाद से कश्मीर के नए डिपकॉम के नाम को लेकर परसों रात से चर्चा तेज हो गई थी, जिसको सरकार ने आज विराम लगाते हुए पांडुरंग कोनबराव पोल को नए डिपकॉम कश्मीर नियुक्त कर दिया है। पांडुरंग इससे पहले सरकार के फूड एंड सप्लाई महकमे में सचिव के रूप में नियुक्त थे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने सलाहकारों को आज विभाग बांटे। एडवाइजर बशीर अहमद खान को पावर डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, कल्चर, टूरिज्म एंड फ्लोरिकल्चर सौंपा गया। वरिष्ठ पत्रकार आदित्य राजकोल ने कल देर शाम एक ट्वीट में सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि ईरान में फंसे भारतीयों में से 254 शिया मुस्लिमों के कोरोना वायरस के टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा था कि भारतीय सरकार ईरानी सरकार के साथ मिलकर इन लोगों का ध्यान रख रही है और उनके लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से अब तक कुल 79 आतंकवादी घटनाएं हुई है। इसकी जानकारी सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने यह भी बताया कि 5 अगस्त 2019 से 10 मार्च 2020 के बीच देश के भीतरी इलाकों में कोई बड़ी आतंकी हमला भी नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री से जम्मू और कश्मीर में कोरोना वायरस 19 के प्रसार के खिलाफ रोकथाम के उपायों में से एक फास्ट मोबाइल इंटरनेट को बहाल करने का आग्रह किया। बुखारी ने अपने जारी किए गए एक बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाओं की बहाली से लोग, खासकर कि युवा वर्ग, अपने घरों के अंदर रहेगा, जिसे प्रभावी रूप से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचने में सहायता मिल सकती है। बारामूला के कैरी इलाके के मध्य विद्यालय नवापुरा में कल देर शाम के समय आग लग गई। खबरों के अनुसार इमारत को आग की लपटों के कारण आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा समय पर कार्रवाई की जाने से ज्यादा नुकसान होने से बचा लिया गया और स्थानीय लोगों द्वारा स्कूल का रिकॉर्ड भी बचा लिया गया। हालांकि इमारत के 3 कमरे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। स्कूलों में एडमिशन के चलते जम्मू नगर निगम में जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने वालों का तांता लगा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में रोजाना लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन मंगलवार को नगर निगम ने अपनी बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट देने वाली सेक्शन को कोरोना वायरस के मद्देनजर बंद कर दिया। बहुत से लोग उदास होकर लौट गए, मगर लोग नगर निगम ना जाकर अब ऑनलाइन भी प्रमाण पत्र निकाल सकते हैं, जिससे उन्हें बच्चों के एडमिशन करवाने में आसानी होगी। दुनिया भर में भय का सबब बन चुके कोरोना वायरस का असर वैष्णो देवी यात्रा पर भी दिखने लगा है। यात्रा में अब हर दिन गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में जहां रोजाना 22,000 से 28,000 श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आधार शिविर कटरा पहुंच रहे थे, अब ये संख्या गिरकर करीब 15,000 से 17,000 के बीच पहुंच गई है। वहीं अब श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा श्री माता वैष्णो देवी की गर्भजून गुफा के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। श्रीनगर के सांसद और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी से रिहाई के बाद अब पीडीपी को पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की रिहाई का बेसब्री से इंतजार है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद नजरबंद किए गए नेताओं को जल्द रिहा करने के संकेत दिए हैं। ऐसे में अब पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की भी जल्द रिहाई संभव है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का जल्द से जल्द पता लगाने के लिए केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने निजी पैथोलॉजी लैब्स को कोरोना की जांच करने की अनुमति देने का फैसला किया है। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि अभी सिर्फ सरकारी लैब को ही कोरोना वायरस की जांच करने की अनुमति थी, परंतु निजी लैब को इसकी अनुमति देकर जाँच के कार्य में दुगुनी तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में सरकार द्वारा फास्ट इंटरनेट को लेकर आज एक और ऑर्डर सामने आया, जिसमें फास्ट मोबाइल इंटरनेट को बंद रखने को कहा गया। प्रशासन द्वारा मोबाइल इंटरनेट को लेकर रिव्यू मीटिंग में फैसला लिया गया कि 31 मार्च तक प्रदेश में अभी इंटरनेट 2G स्पीड से ही लागू रहेगा। ऑर्डर में सिक्योरिटी का हवाला देते हुए सरकार ने अपने निर्णय को सही बताया।
तो ये थी मॉर्निंग हेडलाइंस, आप बने रहें द अर्थ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।